इस उम्र में मेरा हेल्दी और मेरी खुशी का राज ये है कि ये जानवर ही अब मेरे बच्चों की तरह हैं और मैं इन्हीं के अंदर खुश रहता हूँ मेरी एक राय है कि जब आप परचेजिंग करते हैं मिल्किंग हेड्स की तो इसमें एक वक्त में सारे जानवर ना लें आप उसको तीन चार ही पर तकसीम करें और इतना गैप दें कि आपका मिल्किंग प्रोसेस होल द ईयर जारी रहे और किसी वक्त भी इसकी ब्रेक नहीं आए मैं अभी तक पाँच हज़ार रुपये डेली प्रॉफिट uh, कमा रहा हूँ लेकिन चूँकि मेरा ये स्टार्ट है आप इसको पाँच हज़ार की बजाय इसको ऊपर ले जाना आपके अपने बस में ये पचास हज़ार भी हो सकता है ये सत्तर हज़ार भी हो सकता है ये लाख भी हो सकता है मेरे इस बिज़नेस की ख़ास एक खासियत ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैपिटल अमाउंट मेरे पास मौजूद है चौबीस घंटे और उसमें रोज़ाना मुझे प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी मुझे अर्निंग आ रही है और मेरा सरमाया मेरे सामने मेरी नज़रों के सामने है बसम विवज बारह गायों की फार्मिंग से आप माना एक लाख तीस चालीस और पचास हज़ार कैसे कमा सकते हैं और इसको भी अपना इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और इंसान की जबिल्त में पालना है तो क्यों ना जानवर पाल के अपनी जबिल्लत को भी पूरा किया जाए और इनसे रिजक भी हासिल किया जाए और होल सेल में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल ना हो और आपको पैसे आए जबकि ये ऐसा ऐसा बिजनेस है आपकी प्रोडक्ट आपके दरवाज़े पे मौजूद है फिर भी आपको वो पैसे दे रही है ये कैसे किया जाता है स्ट्रेटजी क्या है इब्तदाई मरहल क्या है नया बंदा इंटर होने के लिए कितने स्टेप ज़रूरी हैं जिनको वो फॉलो करे और तब जाके वो एक अच्छा फार्मर बन सकता है मेरा नाम मनसब अली चौधरी है जी मेरा गाँव चक बत्ती एस पी ताबर पाकपतन के करीब है तकरीबन तो पाँच मील आर वाला रोड पर है और मैं यहाँ का एक दरमिया दर्जे का ज़िम्मेदार हूँ सही और मैंने इससे पहले मैं दूसरे बिजनेस किए हैं मैंने टेक्सटाइल का भी किया है और ट्रेडिंग चावल की भी की है लेकिन अल्टीमेटली चूँकि हमारी ज़मीनें इधर अपनी फारग थीं तो मैं फार्मिंग पे आ गया हूँ जिसमें मोस्टली मुझे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी है वो डेरी फार्मिंग है सही तो मैंने इससे स्टार्ट लिया है सर देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है लेकिन आप भी लो आम फार्मर रवायती फार्म, फार्मर्स की तरह फार्मिंग कर रहे हैं या कि प्रॉपर एक्यूरेट और मेजरमेंट भी आपके पास है यह आपका बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास इस दीवार के पार जो है ना वो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जैसे वो पहले हम भैंसें रख लेते थे और मतलब उस पर कोई कभी गौर नहीं किया था तो उससे इनकम कितनी आ रही है क्या है क्या नहीं वो लेकिन ये जो मैंने सिस्टम शुरू किया है ये बिल्कुल सेंटफिक बुनियादों पे किया है इसमें मैंने प्रॉफिट लॉस मेन सामने रख के इसको फिर शुरू किया है फिर इन द लॉन्ग रन इसमें क्या तरक्की हो सकती है वो सोच के किया है तो अब इन शाह तब मेरी जो उम्मीदें हैं ये बिल्कुल अकॉर्डिंग जैसे अल्लाह तला को वैसे जो मंजूर होता है वो होता है लेकिन मेरी उम्मीदों के मुताबिक मैं चल रहा हूँ और इनशाला तरक्की के इसमें चांसेस हैं माशा अच्छा सर जी ये बताइएगा कि लोग लो बिज़नेस ही शुरू करते हैं जितना पैसा मौजूद होता है पड़ा होता है फेंकते हैं और फिर मछली पकड़ने वाले की तरह बाहर बैठ के मछली के आने का इंतज़ार करते हैं तो सर आपने भी क्या ऐसे ही किया कि जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी फेंकी और अब सुबह शाम देखते हैं कितना आ रहा है नहीं इसमें यह है कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ थोड़े जानवर लाता हूँ यानी गाय और उनकी जो प्रोग्रेस देखता हूँ कि प्रॉपर है और गाय का जो मिल्किंग प्रोसेस है वो ऐसा है कि डेली बेसिस पे आपके पास पैसा आता है इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका दूध गया और आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो वो वो नहीं है कि मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा पैसे आ रहे हैं साथ साथ आ रहे हैं और माशाल्लाह दूध की अच्छी एवरेज आ रही है बाकी रही बात के मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ सारी इन्वेस्टमेंट नहीं फेंक रहा अभी जैसे जैसे मैं दो दो चार दो दो चार, चार करके खरीद सर मज़ीद क्लियर कीजिएगा कि आप परचेज कैसे करते हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में आपके इस वक्त जो जानवर मौजूद है ये जो जितनी क्वांटिटी में ये कितने अरसे में आपने बनाया है और इनकी एवरेज प्राइसेस क्या है जी मेरी इस वक्त जो गाय है वो बारह है और ये मैंने तीन तीन करके सब ली है अच्छा मेरे ब्रोकर हैं जो मतलब है कि मुख्तलिफ जब उनकी गाय आती हैं तो वो कहते हैं जी आप विज़िट कर लें मैं इनका कलर वलर हर चीज़ जो है या इनकी नस्ल वो तो वहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन मेरी उनके साथ एक गारंटी है कि मेरी जो मिल्क की एवरेज है अगर वो पूरी हुई तो मैं गाय लूँगा क्योंकि वो भी जो जानने वाले लोग हैं व्यापारी हैं वो कहते हैं जी हमारी तो कहीं भी बिक जाएगी कोई मसला नहीं लेकिन जो आपको पसंद है आप रख लें Okay, वाले लोग हैं वो। तो जब मेरी वो वो प्रॉपर हो जाती है एवरेज, तो गाय मैं मैं रख लेता हूं और तीन तीन से ज़्यादा एक वक्त में में नहीं खरीदता। so, so कि मैं उनके बारे में अच्छी तरह जान मतलब के हीरा तलाश करते हैं और अच्छा कितनी तीन लाख से लेके पौने चार लाख तक सर जी फार्मर्स हमने काफ़ी सारे फार्म्स के विज़िट किए बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं कि हम जब एक फार्म तैयार करते हैं फार्मिंग से लोग भागते इसलिए हैं, हैं कि एक टाइम पीरियड होता है इनकी इनकम का और एक होता है इन पे पैसे लगाने का आउटपुट नहीं होता तो सर क्या आपका जो तीन 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 तीन, तीन जमा तीन फिर तीन बराबर तीन का ये जो पैकेज है इसमें आपने यही फोकस किया है कि पूरा साल आपका मिल्क पीरियड जारी रहे एक्जैक्टली exactly. ये आपने बहुत पते की बात की है कि एक ही दफ़ा मैं बारह खरीद लेता हूँ तो वो एक ही दफ़ा दूध देना छोड़ देंगी अच्छा मेरा तो वैसे प्रोग्राम इसको मतलब बीस तीस तक का है लेकिन मैं इतने वक्फे से करूँगा कि एक मिनिमम लिमिट जो दूध की है वो मुझे रोज़ाना मिलती रहे सही है जबरदस्त ये किया अच्छा सर जी अब तीसरी बात बात है कि फार्मिंग में जो फीडिंग है ये बड़ी एक अहमियत की हामिल है इसी पे आपकी फार्मिंग का फोकस होता है चाहे अच्छी ब्रीड को आप माठी खुराक से बर्बाद कर लें चाहे माठी ब्रीड को अच्छी खुराक से तैयार कर लें सर ख़ुराक में आपका पैटनर क्या है मेन्यू क्या है फ्यूचर में और हाल में हाल में तो इस वक्त जो है प्रॉब्लम जो है वो मैं ख़रीदता था इसका सेलेज सैलज बदकिस्मती है हमारी शायद ये नेचर में शामिल है कि सैलज हर जगह से जाली मिल रहा है यहाँ से भी खरीदते हैं वो जाली होता है इसलिए मैंने अब अपना सैलज के लिए मकई काश कर ली है और अपना जाती सैलेज तैयार करूँगा इस वक्त मैं वंडा जो मतलब फार्म मिल्क मिल के लिए जो वंडा है मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं मैं अच्छी कंपनियों के वंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकी मैं मकई गंदम और इनका मिक्स जो है दलिया तैयार करके वो तूड़ी यानी भूसा जो है उसमें शामिल करके तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे अपने कोई ग्रीन यानी चारा भी है वो भी साथ लगाता हूँ मैं सही है मतलब है कि इस वक्त आप सब्ज़ चारा तोड़ी और आ, कोई मजीद वंडा वगैरह वंडा प्लस दलिए जो है मुख्तलफ तैयार किए खाल भी खाल भी। इसमें खल भी इस्तेमाल करता हूँ सर ये बारह जो मिल्किंग पे गाय हैं काउज इनका डेली का ख़र्चा टोटल इसमें आपकी लेबर कास्ट भी अगर ऐड की जाए तो ये क्या इनका ख़र्चा क्या है डेली ये तकरीबन छः छः हज़ार से छः हज़ार पाँच सौ तक डेली है और मिल्क की इस वक्त एवरेज चूँकि आप तो मिल्क पे ही आ, फोकस कर रहे हैं जैसे हमने देखा कि आपके फार्म का कोई भी जानवर दूसरे जानवर से मिलता नहीं है दिखने में डिफरेंट है लेकिन जब नीचे नज़र लगाई जाती है तो माशाल्लाह कहे बगैर बंदा वापस नहीं आता जी जी तो सर क्या यही बात है कि आपने मिल्क एवरेज की एवरेज के ऊपर फोकस किया हुआ है और क्या एवरेज है एवरेज मेरे इस वक्त जो है बारह गाय की अराउंड टू हंड्रेड के लीटर्स अ डे है सही है और इसकी कीमत बनती है बारह हज़ार प्लस डेली की है सही है तो ये अगर मैं इसमें फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो मेरा सैलेज भी घर का हो जाएगा तूड़ी भी अब अप, अपनी आने वाली है वो भी आ जाएगी पंद्रह बीस दिन में तो मेरा ख़र्चा जो वन थर्ड रह जाएगा सिर्फ वंडा मुझे ख़रीदना है और बाकी मेरे मुलाजमों की तनख्वाहें हैं बिजली के बिल हैं बस ये रह जाएंगे मतलब इस वक्त अगर आप टोटल एक्सपेंसिज इनको अकाउंट करते हैं इनको शुमार करने के बाद ये पैंसठ सौ तक छह हजार पांच सौ आपका खर्चा है तकरीबन पांच हजार के राउंड अबाउट आपकी डेली की जो इनकम एवरेज है जी जी, जी, जी। अच्छा सर बताइएगा कि इसके बाद आपका हाँ जी जो सेमन है हाँ जी। ये चौथी बड़ी बात होती है सेमन जी जी तो क्या इस वाले से भी आप कोई नया करने जा रहे हैं या कि इसमें रवायती क्रॉसिंग है और उनमें बछड़ी या बछड़े का कॉन्सेप्ट कितनी हद तक है जो इस वक्त मेरा तजर्बा है मैंने जितनी गाय ख़रीदी तकरीबन उनके पीछे बछड़े ही हैं तो उसका जो हल है मुख्तलिफ़ डॉक्टर और सबसे मशवरा करने के बाद ये निकला है कि आप आइंदा के लिए जो सी सीमन जो है वो सेक्स सैक्समन इस्तेमाल करें इसके 90 परसेंट चांसेस होते हैं कि आपने जिस सनफ़ को लेना है वही आएगी तो हम बछड़ी के लिए हमारी ट्राई ये होगी कि सैक्स सीमन बछड़ी कर खाएँ सर दैट so के एक अच्छी नसल हमारी अगली खुद से ही तैयार हो जाए सही है सर इस वक्त जो आपकी बारह काउस हैं इन पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है ये तकरीबन चालीस लाख के करीब करीब है इस वक्त सर जैसे आपने डिगर बिजनेस किए आपने टेक्सटाइल का या ट्रेडिंग का या एज इट इज आपने इसमें और उनमें क्या फर्क पाया हाँ मेरा चूँकि सारी उम्र होल सेल का बिजनेस रहा है मैंने रिटेल का नहीं किया तो होल सेल बिजनेस में परसेंटेज बहुत थोड़ी होती है समाइम वन परसेंट समाइम टू परसेंट मैक्सिमम थ्री परसेंट इससे ज़्यादा नहीं होती तो वो भी रिस्क पे है कि कई चीज़ें अगर सरप्लस हो गई तो उधार पे चली जानी शुरू हो जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना रिटर्न स्लो कर जाती खुद ब खुद ही अगर वो उधार पर चली जाती है नकद में आप उसकी सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं और अगर आप उधार पे चले जाते हैं तो डेफिनेटली स्लो हो गई तो पर ईयर बैलेंस शीट बनती हर बिजनेस की तो मेरे ख़्याल में अगर कोई पीक किसी चीज़ का सीज़न चल रहा हो तो वो भी ठीक है लेकिन इसका एक चीज़ है कि इसका राउंड द ईयर एक ही तरह का रहता है सही राउंड द ईयर बिजनेस है ये लाइफ टाइम लाइफ टाइम है प्लस ये है कि मेरी अपनी ज़मीनों होने की वजह से मुझे इसमें बचत बहुत है मुझे जो इन मतलब कि इसमें जो इनके चारा इस्तेमाल होता है तूड़ी इस्तेमाल होती है वो मुझे घर से मिल जाती है अगर सपोज़ मैं उनकी कीमत भी लगाऊँ तो जो मैं इस वक्त बाहर से ख़रीद रहा हूँ उनका हाफ़ है वो फिर भी हाफ़ है फिर भी हाफ़ है।, हाँ है अगर मैं इनकी अपने घर में भी कीमत लगा लूँ कि मैं अपनी ज़मीन का ठेका भी निकाल लूँ मैं हर चीज़ निकाल लूँ तो मुझे हाफ़ प्राइस पर मिल और दूसरी बड़ी बात है कि आपकी होलसेल में आपने जैसे प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन लिया है हाँ ये आपकी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है आपको इनकम आ रही है जी ये मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे सामने है नजरों के सामने है घंटे और मेरी पोजेशन में है, है। बिजनेस में आप एक चीज दे के अगर दो दिन के उधार पे भी दिए यू नेवर नो के अगला बंदा क्या करेगा उसके साथ तो महीनों का उधार भी हो जाता है नब्बे नब्बे दिन का उधार भी हो जाता है तो वो फिर पूरा तीन तीन महीने दुआई मांगनी